हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्या गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कराने के बाद कितना निशान दिखाई देता है। हमारे पास काफ़ी पेशेंट क्वेरी करते हैं कि जो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करते हैं तो उसमें सर्जरी के बाद कितना निशान दिखाई देता है। हाय, आई एम डॉक्टर विवेक अम्बेडकर, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। बेसिकली जो निशान दिखाई देता है वो डिपेंड करता है, पहला मुख्य कारण है कि आप सर्जरी करा किससे रहे हैं। अगर MCH या DNB प्लास्टिक सर्जरी वाले डॉक्टर से कराएंगे तो निशान काफ़ी कम आएगा, क्योंकि वो कॉस्मेटिक सर्जरी करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। तो बेसिकली आपको ये स्टडी करके जाना है कि आप जो सर्जरी करा रहे हैं किससे करा रहे हैं। काफ़ी समय से जो कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं उनका जो नॉलेज होता है उस पर ज़्यादा अच्छा होता है, और उनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, और जो निशान होता है वो भी काफ़ी कम आता है, दिखाई नहीं देता है। और दूसरा है कि अगर MCH या DNB प्लास्टिक सर्जन जो निशान देते हैं वो निप्पल एरोरा के जंक्शन पे देते हैं, तो जो निप्पल वाला पार्ट है वो काफ़ी डार्क होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्किन, तो उस पर जो होता है निशान दिखाई नहीं देता है, और समय के साथ धीरे धीरे काफ़ी कम हो जाता है। अगर कुछ दिखाई भी देता है तो उसके लिए क्रीम बताते हैं जो लगाते जाते हैं, तो धीरे धीरे निशान काफ़ी कम हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास क्वेरी करते हैं कि हमें जो निशान है वो कितना दिखाई देगा समय के साथ, तो उनका निशान अगर आप डिपेंड करता है कि आप सर्जरी किसे कराते हैं और जो सर्जन है वो निशान कहाँ पे दे रहे हैं जो ग्लैंड निकालने के लिए। तो पहला मेन है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप सर्जरी करा किसे रहे हैं और जो सर्जन आपको निशान दे रहे हैं वो कहाँ पे दे रहे हैं। बहुत सारे सर्जन होते हैं जो प्लास्टिक सर्जन नहीं होते, लंबा सा चेस्ट पे निशान दे देते हैं, तो कभी कभी क्या हाइपरट्रॉफिक स्कार हो जाता है, जो चमड़ी फूल जाती है। तो उसमें होता है कि आप कॉस्मेटिक सर्जरी कराने गए हैं तो आप चाहते हैं कि आपका चेस्ट काफ़ी अच्छा निशान दिखाई ना दे और शेप भी काफ़ी अच्छा है, तो उस पर क्या होता है कि आप कॉस्मेटिक सर्जरी कराएंगे, उसके अलावा आप लंबा सा निशान मिल गया जो इसमें आपको और प्रॉब्लम हो गई सर्जरी के बाद। आप सोचते हैं कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा पर वो एक निशान दिखाई देता है, तो आपकी एक समस्या तो खत्म हो गई पर दूसरी समस्या खड़ी हो गई। तो आपको जो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी है एक ही बार कराना है और आपको ये डिसाइड करना है कि किस सर्जन से कराना है। तो आपको दो मुख्य चीज़ें देखना है कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी या कोई कॉस्मेटिक सर्जरी किससे कराना है। तो आशा करता हूँ काफ़ी लोगों को जो हमसे क्वेरी करते हैं उनको जवाब मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।